हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का मेकअप लुक होने वाला है ये वाला मेकअप लुक ईद मेकअप ट्यूटोरियल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काफ़ी टाइम बाद मैं कोई मेकअप वीडियो शूट कर रही हूँ, तो पता नहीं, मैं थोड़ा सा ना नर्वस हूँ कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बहुत टाइम बाद कर रही हूँ। चिट चैट गेट रेडी विद मी, नो चिट चैट काइंड ऑफ मेकअप ट्यूटोरियल होगा। ओके, सो ईद आने ही वाली है, मे बी कल तो नहीं होगी, कल का तो रोज़ा होगा ही होगा, और परसों डिपेंड्स ऑन चांद। सो इस बार भी पिछली बार की तरह कोरोना ने ईद की कोई तैयारी करने का मौका ही नहीं दिया है, क्योंकि मोस्टली जहाँ तक मुझे पता है सब इस टाइम पर, मतलब ईद से रमज़ान से पहले तक कोई भी शॉपिंग नहीं करता है, रमज़ान के बीच में ही सारी सब की तैयारियाँ होती हैं, ईद के कपड़े वगैरह सारी चीज़ों की। तो इस बार भी मौका नहीं मिला है। आई नो कि इतनी मैं ये नहीं कहूँगी कि ईद अच्छी नहीं होगी, ईद अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने रोज़े रखे हैं मुझे लगता है उनको तो ईद अच्छे से मनानी ही चाहिए, और जिन्होंने नहीं रखे हैं वो भी मना लेना, जैसे कि मैंने सारे रोज़े नहीं रखे हैं, ऑब्वियसली मैं सारे रोज़े नहीं रख पाई, जितने हो सके मैंने उतने रखे, और फिर से एंड टाइम पे डाउन हो गई, तो एक रोज़ा रह गया जिसकी वजह से मेरा जोड़ा नहीं हो पाया रोज़े का। तो अब मैं वो ईद के बाद जैसे ही मैं फिर से फ्रेश हो जाऊँगी तो फिर मैं रखूँगी। ओके, तो आज का मेकअप लुक में जो सबसे खास प्रोडक्ट्स हैं वो हैं ये शाई स्टाइल विद कप्स एंड लैशेज का मेकअप भी यार आया था, मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो करा था, मैंने खुद दिखाया था। सो आज मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। फर्स्ट तो था ये शाई स्टाइल का पैलेट जो न्यू लॉन्च हुआ था, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं काफ़ी टाइम बाद इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैं सोच रही थी मैं इसको इस स्पेशल ओकेजन पे जब आप लोग से कोई मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँगी तो मैं इसको यूज़ करूँगी फर्स्ट टाइम। अभी तक मैंने देखो ये यूज़ नहीं करा है, मैं काफ़ी रिस्क लेकर इस तरह से आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज अगर हल्का सा मेरे हाथ से छूटा तो पूरा पैलेट खत्म। सो काफ़ी प्यारे कलर्स हैं, मतलब सारे कलर्स हैं मुझे लग रहा है इसमें, आई होप सारे होंगे, कोई भी कलर ऐसा नहीं हो। नेक्स्ट है ये कप्स एंड लैशेज के ब्रशेज, यार इसके ब्रिसल्स देखो आप लोग, एकदम सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट के मैं क्या कहूँ आपको, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई ये वाला ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश, बहुत ही प्यारा ब्रश है ये ब्लेंडिंग ब्रश। ओके, सो हम आज ये दोनों यूज़ करें, बाकी से प्रोडक्ट भी यूज़ करूँगी, बस ये जरूर करूँगी मैं। ओके, सो या स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फेस पे टोनर अप्लाई करूँ, ये है वाउ का टोनर, बहुत ही अमेजिंग है। सो मैं ना आज अपनी वैनिटी लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने अपना ना सारे प्रोडक्ट्स ना सारा मेकअप जो अपनी वैनिटी में लगा लिया, बिकॉज मुझे ना बहुत दिक्कत होती है फिर, क्योंकि मैंने मेकअप भी स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोगों ने मेरे को मेरे मेकअप वाले पेज पे फॉलो नहीं करा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्राई करूँगी प्रोवाइड करने का। ऑब्वियसली अभी तो नहीं कुछ कहीं पे भी मैं जा पा रही हूँ मेकअप करने, बिकॉज अभी लॉकडाउन है, बट स्टिल मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैं यहाँ न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ और इसको अच्छी तरह से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। आई नो कि बहुत लोग सोचेंगे कि यार ईद है, इस बार लॉकडाउन में है फिर से, तो क्या तैयार होना क्या नहीं, बट यार मैं तो यही कहूँगी कि आप ज़रूर तैयार होइएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं होंगे हम, तो ज़रूर होना और अच्छी तरह से अपनी ईद मनाना, कोई बात नहीं फैमिली के साथ ही सही, बट तैयार होना, नए कपड़े भी पहनना जो भी आपके पास है, मतलब अच्छे से तैयार होना, इंजॉय करना अपनी ईद को, ज़रूर सेलिब्रेट करना। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ घर पर बैठे हैं पुराने कपड़ों में, कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई मर्ज़ी है, अगर वो चाह रहा है कि इस टाइम हम इस तरह से अपनी ईद सेलिब्रेट करें तो मे बी इसमें उसकी कोई मर्ज़ी होगी, तो अल्लाह की मर्ज़ी के साथ ही रही और अच्छे से ईद मनाएंगे। सो मैंने मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई कर लिया, अब मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। एक्चुअली मैंने इस फाउंडेशन को ख़त्म करना चाहती हूँ, इसलिए बार बार मैं यही वाला करती हूँ, बिकॉज मैं ये मेरा ना एक्सपायर होने वाला, और ये काफ़ी ज़्यादा मेरा एक्सपेंसिव था उस टाइम पर, ये 4200 का मैंने लिया था मैक का फाउंडेशन, तो मैं ना बिल्कुल चाहती नहीं हूँ कि ये मेरा बिल्कुल भी ज़ाया जाए, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको अप्लाई करती हूँ। ओके, सो मैंने ले लिया है एक पम्प कह सकते हैं आप वैसे। ओके, सो मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, जो मेरा एक चूहे ने कुतरा हुआ है, चूहा आपको पता ही है मेरे घर में कौन है, जी हाँ मायरा। सो मैंने अच्छी तरह से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है, और आई डोंट नो ये मेरे छोटे छोटे वाले बाल कभी बड़े होंगे, मुझे लग रहा है मैं बड़ी होती जा रही हूँ बट ये बाल मेरे और छोटे होते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ ये वाले बाल छोटे होते जा रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैं यहाँ ज़्यादा कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज शायद मैं जो सूट पहनने वाली हूँ उसके नेक कवर है अभी जो डालने वाली हूँ मेकअप लुक के बाद,
तो इसमें इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, वरना फिर वो गंदा हो जाता है। ओके सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ डार्लिंग इस सब बेला का ये वाला कंसीलर, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। नाउ ब्लेंड, तो देखो कितनी इजीली मेरा कंसीलर ब्लेंड हो गया, बहुत ही अच्छा है। पर्पल पे अवेलेबल है, डार्लिंग इसाबेला का है। देखती हूँ अगर हो सका तो लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप परचेज कर लेना, बहुत ही अच्छा है। मतलब जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से इसका जो काम है ना वो बहुत ही बेहतरीन वाला है। कंसीलर को जो कि मेरा काफ़ी हद तक ख़त्म होने वाला है उसको मैं अपनी लिप पर भी अप्लाई करूँगी एज अ बेस। ओके बिल्कुल मैं सॉफ्ट हैंड से इसको ब्लेंड कर रही हूँ गाइस, ये देखो। नाउ बताओ क्या करेंगे हम नेक्स्ट, आप लोग बताओ। जी हाँ, अब हम अपने इस फेस को, इस थोपड़े को गाइस सेट करेंगे। ओके सो मैंने ये लिया है कफ्स एंड लैशेस का ब्रश, छोटा सा है, मैं अपनी लिड पे लगा रही हूँ अच्छी तरह से। पाउडर पाउडर मैंने लिया है नीशो का, और इसी वाले पाउडर को मैं अपने अंडर आइज पर लगाकर थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए छोड़ रही हूँ, बिकॉज मुझे अंडर आइज पे ना बहुत ज़्यादा क्रेजिंग होती है, ऑलरेडी हो भी चुकी है मुझे गाइज। गाइज ये देखो मैं बैठकर अपना मेकअप हटा रही हूँ और मैंने क्लिप्स भी डिलीट कर दी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत ही, मतलब इसकी पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा है कि मैं बहुत हल्का उसको अप्लाई कर रही थी, बट ये इतना डार्क हो गया कि मैं अब इसको रिमूव कर रही हूँ, बिकॉज इतना डार्क इतना लाउड मेकअप नहीं जाएगा क्वारंटाइन एंड लॉकडाउन वाली ईद के लिए। सो आप लोग मुझे गाली दो, इससे पहले मैंने इसको रिमूव कर दिया है बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इतना डार्क लगेगा। सो मैं अभी फटाफट से ना इसको रिमूव करके और आईज कंसील करके आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ। स्टार्टेड अगेन। ओके सो फर्स्ट मैं ये वाला पिक करूँगी कलर, और मैं लाइट पर ही रहूँगी बिकॉज मुझे पता चल गया है इस वाले पैलेट की पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। सो मैं बहुत लाइट कलर पिक करूँगी। ब्राउन शेड को मैं अगेन अपनी क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने ऐसे नहीं बोला जैसे मैं ऐसे बोलूँ, कर रही हूँ। करने के बाद नॉट पिक मैं ये वाला पीची ऑरेंज काइंड ऑफ शेड लूँगी, और इस बार बहुत लाइट सा लूँगी बिकॉज सबसे लाइट यही है ऑरेंज में, मुझे कुछ हल्का सा ऑरेंज टच चाहिए था, तो मैं इसको ना दोनों साइड डिवाइड कर लेती हूँ बिकॉज फिर वही डार्क हो जाए। मैं कितना लाइट पिक कर रही हूँ फिर भी ये ज़्यादा दिख रहा है, ये क्या बना दिया साइमा। ब्राउन वाले शेड के जस्ट नीचे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अब, ठीक है। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्लेंडिंग ब्रश, बहुत ही प्यारा सा है, और अब मैं ले रही हूँ ये बहुत ही सुंदर सा पर्पल शेड, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था मैं कुछ पर्पल में करूँगी, बट मुझे कलर इतना सुंदर लग रहा है कि मेरा मन कर रहा है मैं इसको अप्लाई करूँ। हल्का सा ये वाला पिंक शेड ले रही हूँ जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लेना था, और इसको मैं पर्पल एंड ऑरेंज के बीच में प्लेस कर रही हूँ और साथ साथ ब्लेंड कर दूंगी। ऑरेंज पिंक एंड पर्पल आइज करी है मैंने, आई डोंट नो कैमरे में क्या दिख रहा है बिकॉज मैं ना अभी भी देख रही हूँ तो मुझे यहाँ से कुछ और कलर दिख रहे हैं, मतलब इस मिरर में, और वहाँ कैमरे में मेरे को कुछ और दिख रहा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। अब मैं सब कुछ आपस में अच्छी तरह से एक मोटे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कुछ भी हार्श ना दिखे। नाउ आई एम टेकिंग दिस कलर, बहुत ही प्यारा सा शैम्पियन टाइप का कुछ पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स नहीं कहेंगे आई थिंक इनको, ये ग्लिटर्स हैं, नॉट चंकी वाले ग्लिटर्स, तो ये थोड़ा ऑरेंज में है, तो मैं इसको सेंटर पे हल्का हल्का एकदम लाइट हैंड से प्रेस कर रही हूँ, और जो फिंगर मेरी बिल्कुल साफ थी वाली इससे मैं इसको हल्का सा क्रीज लाइन से ब्लेंड कर रही हूँ। ओके सो अगेन दिखाती हूँ, इससे प्लेस कर रही हूँ ऐसे ऐसे हल्का हल्का, और इस वाली फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ। सो हमारा आई मेकअप डन है बिल्कुल लॉकडाउन वाला,
और अब मैं अप्लाई करूंगी एक लाइनर। सबसे पहले ये वाला जो ग्रीन शेड है इसको ये फ्लैट ब्रश से पिक कर रही हूँ और एज अ लाइनर मैं अपनी लैश के क्लोज क्लोज इसको ब्लेंड कर रही हूँ, एक स्मोकी लुक देने के लिए। सो ये देखो, सेम मैं इस वाली आईज पे भी कर लेती हूँ। सो अब मैं नीचे जो पाउडर था उसको डस्क ऑफ कर रही हूँ और अब मैं लोअर लैश लाइन पर भी यही वाला ग्रीन वाला कोल अप्लाई कर रही हूँ। एक्सेस जो बचा हुआ है इसमें वही लगा रही हूँ, कुछ ले नहीं रही हूँ। और अब मैं ये वाला ब्रश लूँगी और इससे मैं पर्पल शेड पिक करूँगी, वही वाला जो मैंने ऊपर लगाया था, और अब मैं इसको लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ ग्रीन वाले कलर के साथ साथ। ये देखिए इस तरह से ले रही हूँ ये कलर बार का कॉन्टोर जो मेरा बहुत बुरी हालत में है बिकॉज ऑफ इसका कैप ना टूट गया और इसे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड और मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा ले लिया है। देख रहे हो, ये देखो एक बार पिक करा था, इतना फेस पर है, इतना हाथ पर है। ओह माय गॉड। सो कॉन्टोर के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ स्टेकोर्की के दोनों ब्लशेस, मिक्स करके मैं इनको अप्लाई करने वाली हूँ। इनकी पिगमेंटेशन भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली है। दिखाऊँ पहले तो ये ब्रशेस देख लो यार, हंसिए मुस्कुराइए। मुझे पता है किसी का भी मुस्कुराने का मन कर नहीं रहा है इस लॉकडाउन में, लेकिन आप चाहते हैं आपका ब्लश बहुत सुंदर प्यारा सा अप्लाई हो तो मुस्कुराइए ऐसे। अब हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा ग्लो, जिसके लिए हम यूज करेंगे हुडा ब्यूटी का ये वाला हाइलाइटर। तो मैं सोच रही हूँ कुछ तो गड़बड़ा है, मैंने अपनी आईब्रोज नहीं करी है, बट आईब्रोज करने से पहले मैं एक चीज़ और अप्लाई करने वाली हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ये यूज़ करना चाहिए। ये मुझे काफ़ी टाइम पहले पुडेर की किट आई थी, मुझे उसमें रिसीव हुआ था, तो मैंने इसको कभी करा नहीं था। और ये बहुत ही सुंदर सी ग्लिटर्स हैं, मतलब ये वैसे तो हाईलाइटर था बट मुझे था कि मैं इसको कभी आईज पे अप्लाई करूँगी बिकॉज ये थोड़े मोटे ग्लिटर टाइप था। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं कर लेती हूँ आज अप्लाई एंड देखते हैं इसका कैसा है रिजल्ट। अदरवाइज ये फिंगर की हेल्प से भी आई थिंक स्टिक हो जाएंगे। देखो जब मैं बना लूंगी अपनी आईब्रोज, मतलब आईब्रोज फिल इन करूंगी, बनी हुई तो बिल्कुल भी नहीं है और एक ही है मेरे को जो परफेक्ट शेड जाता है वो है हुडा ब्यूटी की इस वाली पैलेट से ये वाला शेड। जब आईब्रोज बनी ना हो तब उनको फिल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गाइज। बस मेरी आईब्रोज बनी हुई नहीं है और अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा फिल करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा डार्क लगेंगी, तो बस। और अब हम लास्ट अप्लाई करेंगे मस्कारा। सो मैं फॉल्सेस नहीं अप्लाई कर रही हूँ, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे लॉकडाउन वाली ईद है, फॉल्सेस और लेंसेज मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल सिंपल कर रही हूँ। वैसे काफ़ी लोग तो कहेंगे सिंपल तो बिल्कुल नहीं है। मस्कारा के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबेलिन सेंसेशनल मस्कारा। उप्स गाइस, जिसके साथ ये होता है ना इसका तो समझ लो आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपको नेचुरली एक नज़र का टीका लग गया है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं बस जल्द बता रही हूँ। सो मेरी लिपस्टिक भी रेडी है और अब हम अप्लाई करेंगे सेकंड कोड। सेकंड कोड अप्लाई करने से पहले मैं अपने लैशेस को कर्ल करूँगी ताकि थोड़ी सी वॉल्यूम और आ जाए। और आप चाहें तो लाइट वाली फॉल्सेस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ये है लॉरेल का मस्कारा, सेकंड कोड मैं इसका अप्लाई करूँगी और ये बहुत ही अच्छी वॉल्यूम देगा। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मेकअप सेटिंग स्प्रे बिकॉज वैसे हल्का फुल्का सा मेकअप कर रहा है और वो भी अगर फेस पे नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि हल्का फुल्का सा जो मेकअप करा है वो तो ठीक है। वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है, अगर तब तक मैं फटाफट से अपना आउटफिट पहन कर आती हूँ, ज्वेलरी पहन कर आती हूँ और फिर आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ।
मायरा हट जाओ मेरे। सिया गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये सिंपल सा इजी वीजी सा ईद मेकअप लुक, और ये बिल्कुल ही सटल है लॉकडाउन एंड कौन तरह की भी सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन वाली उस वाली ईद के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि यार घर पे बैठे बैठे हम काफ़ी हैवी मेकअप करें और फॉल्सेस अप्लाई करें, लेंसेज अप्लाई करें और कुछ हैवी पहने। मेरा भी ये जो ड्रेस है ये मीशो का था, सो मेरे मेकअप के अकॉर्डिंग बिल्कुल जा रहा था, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं ये सारे कलर्स क्यों पिक कर रही हूँ, ऑरेंज पिंक, और फिर मुझे एकदम से याद आया कि जिस तरह का, और आप देखोगे तो मेरे कलर्स बिल्कुल भी डार्क नहीं है, लाउड नहीं लग रहे, बट साथ ही साथ मेरे मेकअप बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। सॉरी फॉर, क्योंकि मायरा बिल्कुल मान नहीं रही थी, और अभी लॉकडाउन के टाइम पर ना वो इतनी चिड़ी चिड़ी है कि वो जो करती है उसको करने देती है, अगर उसको मेरे पास आना था तो मैंने आने दिया, कोई नहीं वो मेरी वीडियो में आ रही है। सो अभी वो मेरे इसके साथ टेसल्स के साथ खेल रही है। सो देखो कि बहुत ज़्यादा लाइट भी है बट साथ साथ अच्छा भी लगा है। सो आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगेगा, अगर आप कुछ इस तरह का लुक क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। कलर ऑब्वियसली आप चेंज करोगे अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग रखोगे, बट हाँ आप ऐसे कुछ कर सकते हो, साथ में हल्का सा ग्लिटर ले सकते हो जिससे आपके केस बहुत सुंदर लगे, और इस तरह से जब आप स्मच करके लाइनर अप्लाई करते हैं ना और दो तीन कोट मस्कारा के अप्लाई कर लेते हैं तो आपके केस बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। बाकी आपने जब फुल फेस मेकअप करोगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, बस आप ज्वेलरी थोड़ी अच्छी सी डाल लेना, उससे एक अलग ही लुक आ जाता है। जैसे कि देखो अभी मायरा को, देखो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को भी देखो, मायरा मुझसे ज़्यादा सुंदर लग रही है विदाउट मेकअप। सो या गाइस बता दीजिएगा कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को ये वाला मेकअप लुक, वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हुई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो या मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।